Hi guys, wish you a very very good morning. This is me Aisha Joshi and you are watching me on the channel of Achievers. So here it is 6th June, Saturday today, and we are going to start today's the Hindu news analysis. First of all, let me know you that UPSC has already released the revised exam schedule of all the exams. Okay, so अब क्योंकि dates आ चुकी है, so हमारी ज़रूरत है कि हम बिल्कुल गियर अप कर लें, बकल अप कर लें और अब स्टार्ट कर दें प्रिपरेशन, बिकॉज अब ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमें ऑलरेडी एक्स्ट्रा टाइम मिल चुका है. वी शुड यूज़ दिस टाइम एंड बिल्कुल पॉजिटिव वे में यूज़ करते हुए बहुत अच्छी प्रिपरेशन के साथ में हमें आगे बढ़ना है. ओके, उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं जो हम लोग ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं और बहुत जल्दी मैं आपके लिए वो वीडियो भी लेकर आऊँगी. प्रोबेबली जो है आज या कल मॉर्निंग तक आपको वो वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा जिसमें हमने पूरा 4 मंथ स्ट्रैटेजी को प्लान करेंगे. ओके, 4 मंथ्स में हम लोग आगे जाकर 4 मंथ्स में क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ना है, क्या पढ़ने वाले हैं, जिससे कि हमारे प्रीलिम्स क्लियर हो जाए. उसी के साथ में इस स्ट्रैटेजी को कैसे फॉलो करें कि प्री प्लस मेंस, क्योंकि देखिए मेंस भी जब प्री हो जाएगा उसके बाद में मेंस के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा, और अभी जब हमारे पास में प्री और मेंस दोनों के लिए टाइम है तो इट इज़ आर रिक्वायरमेंट कि हम इसे इस टाइम को प्रॉपरली मैनेज करते हुए अगर यूज़ लेते हैं तो डेफिनेटली हम प्री और मेंस दोनों का सिलेबस ईजीली कवर कर सकते हैं, है ना. तो हम लोग पूरा स्ट्रैटेजी वाइज पूरा एक डेटा मैं ऑलरेडी रेडी कर रही हूँ, उस बेसिस पे, उस स्ट्रैटेजी के बेसिस पर, उस प्लानिंग के बेसिस पर अगर आप चलते हैं तो डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू क्लियर द एग्जामिनेशंस. ओके, एंड बिकॉज बहुत अच्छा टाइम मिल गया है, 4th of October इज़ द न्यू डेट ऑफ UPSC प्रीलिम्स. ओके, और उसके बाद में जो मेंस की डेट आई है वो 8th of January है. सो हमारे पास में अप्रॉक्सीमेटली वी कैन से फॉर मेंस वी हैव 6 to 7 months अप्रॉक्सीमेटली. ओके, एंड फॉर प्रीलिम्स वी हैव जस्ट 4 months, एंड इन दिस 4 month वी हैव टू प्रिपेयर लॉट. ओके, सो चलिए आज का द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट न्यूज़ इज़ इंडिया चाइना होल्ड टॉक्स अग्री टू रिजॉल्व डिफरेंसेस पीसफुली. इंडिया और चाइना जो है दोनों के बीच में बातचीत हो गई है और दोनों ही कंट्रीज़ जो है आपस में LAC से रिलेटेड जो इश्यूज़ चल रहे हैं उसके तहत शांतिपूर्वक मुद्दे को सुलझाने के लिए तैयार हो चुकी हैं. एक्सटर्नल मिनिस्टर ऑफ इंडिया का ये कहना है, बोथ साइड्स एग्री टू हैंडल डिफरेंसेस थ्रू पीसफुल डिस्कशन बियरिंग इन माइंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिस्पेक्टिंग ईच अदर सेंसिटिविटी कंसर्न्स एंड एस्पिरेशंस एंड नॉट अलाउ दैम टू बिकम डिस्प्यूट्स. अब हमारे जो थॉट प्रोसेस है, माइंडसेट है दोनों कंट्रीज़ का, उसको ध्यान में रखते हुए, एक दूसरे को हर्ट ना करते हुए और इन सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेयर करते हुए डिस्कशन के थ्रू इस मुद्दे को सुलझाया जाएगा और कोई भी डिफरेंसेस जो है अगर हमारे जो माइंड थॉट प्रोसेस में है तो उसके बेसिस पर कोई इश्यू नहीं क्रिएट होगा और दोनों बहुत अच्छे से इस मुद्दे को सुलझाने के लिए तैयार हो चुके हैं. ठीक है, वहीं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का ये कहना है, बोथ साइड्स एग्री टू इम्प्लीमेंट द कंसेंसस दैट टू कंट्रीज डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ थ्रेट टू ईच अदर एंड डू नॉट लेट डिफरेंसेस राइज इनटू डिस्प्यूट्स. दोनों कंट्रीज के अंदर कोई डिस्प्यूट नहीं होगा, दोनों कंट्रीज जो है वो कोशिश करेगी कि आपसी जो है सुलझान के साथ में आपस में मैटर को सुलझाते हुए इस मैटर को ईजीली यहीं पे ख़त्म कर दिया जाएगा और कुछ जो है जो हम कह सकते हैं फेयर डिसीजन के साथ में. ठीक है, इसके अलावा दोनों एक दूसरे के लिए थ्रेट नहीं क्रिएट करेंगे, लेकिन दोनों के लिए डर ना क्रिएट करते हुए इजीली इस मैटर को सॉल्व किया जाएगा. ओके, सो LAC से रिलेटेड जो इशू है जो पिछले मई से स्टार्ट हुआ है अप्रॉक्सीमेटली, तो मई से अब तक जो इश्यूज़ चल रहे हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में और उसका जो ये सारा मैटर है जो कि LAC से रिलेटेड है, तो उन सब को देखते हुए उस पर काफ़ी वार्तालाप करते हुए, काफ़ी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बातें करते हुए ये डिसाइड किया गया है दोनों मिनिस्ट्रीज़ द्वारा फ्राइडे को कि हम लोग इस मुद्दे को शांतिपूर्वक सुलझा लेंगे और ये मैटर यहीं पर सॉल्व कर दिया जाएगा. ठीक है, और उसके लिए दोनों कंट्रीज़ अपने अपने लेवल पे बेस्ट ट्राई कर रही हैं. नाउ द नेक्स्ट इज़
चाइना ने न्यू कमांडर भी अपॉइंट किया है। चाइना ने न्यू कमांडर अपॉइंट किया है इंडिया से इस मैटर को सुलझाने के लिए। इंडियन बॉर्डर के बेसिस पर न्यू कमांडर जो है उसे अपॉइंट किया है। दैट इज़ लेफ्टिनेंट जनरल क्सियू क्विलिंग एंड ही इज़ द बेसिकली टू ओवरसीज दी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ग्राउंड फोर्स ऑन द इंडियन बॉर्डर। ओके, एमिड द ऑन गोइंग टेंशंस अक्रॉस द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। बेसिकली अभी एट प्रेजेंट जो इश्यूज चल रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए उनके सॉल्यूशन के लिए इस न्यू कमांडर को अपॉइंट किया गया है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में जिस तरह के डेवलपमेंट्स हमें अभी देखने को मिल रहे हैं, जिस तरह की ये टॉक्स अभी हमें देखने को मिल रही है, आने वाले टाइम में इस मुद्दे को पूरी तरीके से सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा और LAC से रिलेटेड इश्यूज़ को कहीं ना कहीं ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। ओके, द नेक्स्ट इज़ अ ग्रेट राइड होम फाइनली एंड्स इन अ लॉन्गिंग टू रिटर्न। लंबा सफ़र तय करने के बाद में फाइनली कंक्लूजन पे पहुंचना कि हम फिर से घर जा रहे हैं, तो अपने आप में बड़ा आश्चर्य की बात हो जाती है। आप घर से निकलते हैं कहीं जाने के लिए बहुत दूर, पैदल या बहुत मुसीबतों का सामना करते हुए आप वहाँ पहुँचते हैं और फिर आपको रियलाइज़ होता है दैट वॉज़ अ रॉन्ग डिसीजन विच वी हैव टू और वी शुड गो बैक। यही कंडीशन हुई है उड़ीसा के फिशर्स की। बेसिकली ये जो फिशर्स हैं ये लंबा समय तय करके और चेन्नई से उड़ीसा गए थे और उन्हें लगा था कि वहाँ पे हम अपने सर्वाइवल को जो है कंटिन्यू करेंगे। बट आफ्टर द सम टाइम जब उन्होंने काफ़ी लंबा सफ़र तय करके वहाँ जाने के बाद में जब जॉब्स के लिए अपेयर करना चाहा, करने की कोशिश की, तो उन्हें जो एक्सपीरियंसेस हुए उस बेसिस पर दे हैव डिसाइडेड कि हम लोग वापस जा रहे हैं। ठीक है, उन्होंने जो है एक बोट के थ्रू चेन्नई से उड़ीसा का सफ़र किया था। वहाँ उड़ीसा में जब फिशरमैन के तौर पे अपने कार्य के अंदर जाने लगे तो उन्हें पता चला कि जीवन में जॉब्स और ये सब तो बहुत दूर की बात है, दो वक्त की रोटी जो है वो भी गेन कर पाना यहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क है ना। तो इस एक हफ्ते में ही दे गॉट कि हम लोग यहाँ पे बहुत कम वेजेस में सर्वाइव कर रहे हैं, दैट विल नॉट बी पॉसिबल टू गो थ्रू। सो दे हैव डिसाइडेड दैट वी आर गोइंग बैक टू आर ओन पर्टिकुलर प्लेस। ओके, सो कहीं ना कहीं ये ज़रूरी होता है कि हम कोई भी डिसीजन लें तो उससे हम सीख लें, है ना। अब ये एक सीख है कि आप कैसे अपने एरिया में रहते हैं और जब उससे बाहर जाते हैं किसी उम्मीद से। कई बार हम देखते हैं कि इंडियंस जो है फॉरेन जाते हैं और जॉबलेस हो जाने के कारण या वहाँ पे प्रॉपर जॉब ना मिल पाने के कारण वापस भी नहीं आ पाते हैं, इश्यूज अटक जाते हैं वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें, ये जो डिसीजन होते हैं बेस्ड होते हैं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों पर जो आपको कुछ एक नई सीख देते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट इज़ अच्छा ये चीज़ भी है कि इस कंडीशन की अगर बात करें, इस सिचुएशन की बात करें, तो चेन्नई से उड़ीसा जाने वाले और उड़ीसा में जो है उसकी सीख लेने वाले और फिर पुनः जो है चेन्नई की तरफ रुख करने वाले जो लोग हैं, तो वो उड़ीसा को भी ये सिखाते हैं कि उन्हें कैसे इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है। क्या ऐसा क्या हो गया या ऐसी क्यों इमरजेंसी हो गई है कि या ऐसी क्या सिचुएशंस क्रिएट हो गई जिस वजह से उन माइग्रेंट्स को ये सोचना पे मजबूर होना पड़ा कि हमें वापस जाना है, जबकि वो एक लंबा सफ़र तय करके आए थे, है ना, काफ़ी अरेंजमेंट्स के साथ में। सो लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग टू बी हैपन नेक्स्ट। द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ स्टेट्स टू डिसाइड ऑन री ओपनिंग द स्कूल। बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ, COVID-19 के चलते, लॉकडाउन के चलते सबसे ज़्यादा जो इनसिक्योर एरिया बताया जा रहा था या जिससे माना जा रहा था वो थी बेसिकली स्कूल्स या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब रिसेंटली क्योंकि देखिए सारे एरियाज़ ओपन हो चुके हैं, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे एरियाज़ हैं जो अभी भी ओपन ही हुए जिसमें स्कूल्स और इंस्टीट्यूशनल भी एक्टिविटीज़ भी आती है ना। बट ये प्लेसेस अभी ओपन नहीं हुए हैं, उसका रीज़न है, सबसे बड़ा रीज़न क्या है, गैदरिंग। तो ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे गैदरिंग सबसे ज़्यादा होती है ना, और प्लस वो जो रिस्क फैक्टर में आते हैं COVID-19 के चलते वो होते हैं एक तो 10 ईयर्स से कम के स्टूडेंट और एक होते हैं 60 प्लस, है ना, या हम कह सकते हैं एज के अकॉर्डिंग 60 प्लस, या जो अपने एक सर्टेन एज है जिनकी इम्यूनिटी जिस एज पर जा जाते हैं जो है लूज़ कर चुके हैं। तो देखिए ये दो सेक्टर ही सबसे ज़्यादा इफेक्टेड एरियाज़ में आते हैं, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एरियाज़ में आते हैं। तो 10 साल की कम उम्र के बच्चे सारे स्कूल में स्टडी करते हैं और 10 से ऊपर वाले भी करते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर प्लेस पे गैदर होना COVID-19 को
जो है वेलकम करने का एक तरीका है। बेसिकली COVID-19 इजीली ट्रांसमिट होने वाली डिजीज़ है, वायरस है। अब उसे स्टॉप करने के लिए हमें ज़रूरत है कि हम गैदरिंग को ना करें, है ना, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। और जैसा कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सोशल डिस्टेंसिंग का जो नॉर्म्स चल रहे हैं, जो गाइडलाइंस इशू हो रही है, तो वो कहीं पर भी पॉसिबल नहीं है स्कूल लेवल पर हो पाना, क्योंकि स्कूल्स में स्टूडेंट्स होते हैं, आपस में एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में आते हैं। डेफिनेटली वो कई बार फ्रेंड्स का लेकर वो एक स्पिरिट इतनी होती है फ्रेंड्स से रिलेटेड कि सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह सारे नॉर्म्स को साइड में रख के और फिर वो आगे बढ़ते हैं ना। तो इस तरह की जो कॉम्प्लिकेशंस है उससे बचने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये इशू कर दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट अपने बेसिस पे स्कूल की रीओपनिंग के डिसीजंस ले सकती है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, देखिए बेसिकली हर स्टेट में COVID-19 की अपनी अलग सिचुएशन है और उसके बारे में वो सिचुएशन वहाँ के मिनिस्टर से बेटर कोई नहीं जान सकता। सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये इशू किया है, ये ऑर्डर इशू किया है कि स्टेट गवर्नमेंट अपने एरिया में COVID-19 की कंडीशन को देखते हुए और स्कूल्स की रीओपनिंग का जो डिसीजन है वो खुद के हाथ में लेगी। ठीक है, सो लेट्स सी कि क्या डिसीजन जो है सरकार द्वारा लिए जाते हैं। जोधपुर पुलिसमैन पिंस मैन डाउन विथ नी, एक वीडियो वायरल हुआ है जिसके तहत देखिए, तो अकॉर्डिंग टू दिस सीन एंड अकॉर्डिंग टू दिस वीडियो हुआ ये है कि जोधपुर के अंदर ये जो वीडियो है ये शो करता है कि एक पुलिसमैन जो है उसने नीज पर जो है एक पर्सन को बैठा के और उसकी नीज को खुद की नीज से प्रेस किया, जिससे क्या हुआ कि उसको जो है उसके पैरों में जो है चोट हुई, चोट लगी। और कहीं ना कहीं ये थोड़ा क्रुएल्टी को शो कर रहा है ना, ये वीडियो शो कर रहा है क्रुएलिटी को, पुलिस की जो है नेगेटिव अपीयरेंस को। बट हुआ क्या है, पुलिस का ये कहना है कि ये आदमी जो मुकेश कुमार प्रजापत है, 38 ईयर्स का है, वो विदाउट एनी मास्क एंड विदाउट एनी सिक्योरिटी जो है इधर से उधर घूम रहा था। और जब उसे एक कांस्टेबल द्वारा, ऑन ड्यूटी कांस्टेबल द्वारा जब रोका गया या उससे जो है पूछताछ की गई, तो उससे उस व्यक्ति द्वारा उस ऑन ड्यूटी कांस्टेबल के साथ में वायलेंटली बिहेव किया गया। ओके, और ये जो सीन है ये कहीं ना कहीं याद दिलाता है अफ्रीकन घटना की, अफ्रीकन अमेरिकन जो था 46 ईयर्स ओल्ड, मिनियापोलिस, और हम कह सकते हैं US की घटना थी, जिसके अंदर जॉर्ज फ्लॉयड जो कि मर गया था, जिसके कैसे उसकी डेथ हुई थी, बेसिकली वाइट ऑफिसर ने उसकी नेक को कुछ देर के लिए नेल्ट किया था एंड कुछ ही मिनट्स में उसकी डेथ हो गई थी, है ना। तो और फिर उसके बाद पूरी कंट्री में, पूरी कंट्री वाइड बहुत बड़ा जो है प्रोटेस्ट देखने को मिला। सो इस तरह की जो क्रूअल जो घटना होती है कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती है ना। लेकिन देखिए ये भी एक पॉइंट है कि कई बार जो पुलिस जो इतने महीनों से ऑलरेडी जो है ड्यूटीज़ पर है और जो चीज़ें पुलिस इतने लंबे टाइम से लोगों को समझाना चाहती है, जब वो चीज़ें फॉलो नहीं की जाती है लोगों द्वारा, तो ऑटोमेटिकली पुलिस को कई बार नेगेटिवली या वायलेंटली बिहेव करना पड़ता है, क्योंकि ये सारी जो सोशल डिस्टेंसिंग या ये सारे जो नॉर्म्स है इन सबको फॉलो करने के लिए, मास्क वेयर करने के लिए, लोगों की जान के लिए पुलिस ऑलरेडी एक लंबे समय से ड्यूटीज़ पर है ना। वीडियोज़ वायरल, एक या दो वीडियोज़ और फोटोज़ बहुत इजीली वायरल हो जाते हैं, लेकिन जो लोग दो दो तीन तीन महीने से जॉब पर हैं, ड्यूटीज़ पर हैं, घर नहीं गए हैं, और जो लोग सिर्फ और सिर्फ वर्क कर रहे हैं लोगों के लिए कि किसी को इससे कोई नुकसान ना हो, है ना, और लोग इजीली जो घूम सक रहे हैं इधर से उधर, तो वो सिर्फ इसीलिए है कि हम लोग और पुलिस ने, डॉक्टर्स ने अपना पूरा 100% दे करके और इस सिचुएशन को कंट्रोल में लाने की कोशिश की है ना। उसके बाद में भी इतनी कंडीशंस बिगड़ गई है, तो आप सोचिए कि अगर पहले से ये लोग अपने एफर्ट्स नहीं लगाते तो सिचुएशंस क्या होती। ओके, सो इट इज़ अ रिक्वायरमेंट कि हम सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स, मास्क वेयर के जो गाइडलाइंस है मास्क वेयर करने की, और ये सारी इन सारी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ें। और इसी के साथ में हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है या और भी जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये लोग प्रॉपरली इन लोगों को फॉलो करते हुए, इनके साथ में वॉयलेंटली या मिसबिहेव करने का कोई सेंस नहीं बनता है ना। सो वी शुड बी इन अ मैनर्ड वे,
और हमें जो है जो अपने ये जो गाइडलाइंस या इशू जो किए जा रहे हैं सारे डेटाज या जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स रूल्स जो इशू कर रहे हैं, ये सारे नॉर्म्स और रूल्स ऐसे होते हैं जो अपने लेवल पे बहुत वैल्यूबल हैं, है ना, और सिर्फ आप ही के लिए बनाए गए हैं. तो प्लीज़ डोंट क्रॉस ऑल दीज थिंग्स, डोंट क्रॉस दीज टाइप ऑफ गाइडलाइंस एंड लिमिटेशंस कि पुलिस या अदर अथॉरिटीज़ को आपके साथ में मिसबिहेव करना पड़े. एंड दे आर ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड टू डू ऑल दीज थिंग्स. पुलिस डिपार्टमेंट या अदर डिपार्टमेंट्स भी जो है वो इंटरेस्टेड नहीं होता ये सब करने में. बस ठीक है, सिचुएशंस हम खुद ऐसी क्रिएट कर देते हैं कि ये सब चीज़ें फेस करनी होती है. अच्छा, वीडियोज़ या फोटोज़ कुछ वायरल होते हैं, एक या दो वीडियो सोशल मीडिया जो है इसके थ्रू वायरल कर देती है, ये सब चीज़ें होती है. लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस अथॉरिटीज़ और डिपार्टमेंट्स को भी ये ध्यान में रख के चलना होगा कि इस तरह के जो सिचुएशंस है, इस तरह की कंडीशंस है, वो उन्हीं के लिए एक नेगेटिव जो है इमेज क्रिएट कर देती है, जहाँ काफ़ी हद तक लोग जो है पुलिस और अन्य जो मेडिकल डिपार्टमेंट के लोग हैं इन सबको जहाँ रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इन सब की जहाँ पे इन सबको फॉलो कर रहे हैं, इन सब की जहाँ पे वैल्यूबल चीज़ों को अप्रिशिएट कर रहे हैं इन डिफरेंट वेज, वहाँ इन सब डिपार्टमेंट होल्डर्स की भी ज़रूरत है कि वो आम लोगों को समझे और उनको जो है समझाने की कोशिश करें. ओके, तो ये इस तरह के इंसिडेंट्स जो होते हैं वो थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज मैसिव स्पाइक इन फॉरेन फ्लोज इन मार्क इनटू मार्केट. मार्केट में फॉरेन फ्लोज के अंदर एक मैसिव स्पाइक देखने को मिला है. लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग टू बी हैपन नेक्स्ट. ओके, इट इज़ द या इट द नेक्स्ट न्यूज़ इज या हाई कोर्ट रिफ्यूसेस टू हेयर प्ली अगेंस्ट सेंटर्स ऑर्डर फिक्सिंग एयर फेयर्स. एयर के फेयर्स जो हैं मतलब फ्लाइट चार्जेस जो है उनको फिक्स करने के ऑर्डर के संदर्भ में सेंटर ने जो है हाई कोर्ट को जो ऑर्डर्स दिए थे, हाई कोर्ट ने उन प्लीज को जो है उनके अगेंस्ट सेंटर का जो ऑर्डर था एयर फेयर्स को फिक्स करने का, उसके अगेंस्ट जो प्लीज उठाई गई थी, प्लीज जो जो फाइल की गई थी, उन सब को जो है हाई कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया है. ओके, इट फॉल्स विद इन द स्कोप ऑफ द पावर ऑफ द गवर्नमेंट द डेली. अच्छा, ऐसा क्यों किया गया, जो प्ली अगेंस्ट में आई है उसे क्यों नहीं जो है देखा गया, उन पर क्यों नहीं विचार किया गया? तो हाई कोर्ट का ये कहना है कि इस तरह की घटनाएं सेंटर के या अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट जो है, या हम कह सकते हैं जो पावर है गवर्नमेंट की, उसे जो है घिराने का, उसे जो है पॉइंट आउट करने का कार्य करती है. ठीक है, द दिल्ली हाई कोर्ट हैज़ रिफ्यूज टू एंटरटेन अ पटिशन चैलेंज द सेंटर ऑर्डर फिक्सिंग मिनिमम एंड मैक्सिमम एयर फेयर्स ऑफ वेरियस सेक्टर्स फॉर 3 मंथ्स टिल अगस्त 24. अगस्त 24 तक मिनिमम और मैक्सिमम जो फेयर्स एयर फेयर्स डिसाइड किए गए हैं अलग अलग सेक्टर के लिए सेंटर द्वारा जो ऑर्डर्स इशू किए गए हैं उसके अगेंस्ट जो है एक पेटिशन चैलेंज की गई थी, एक जो है चैलेंजिंग जो है पेटिशन फाइल की गई थी. सो दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे रिफ्यूज़ कर दिया है. चीफ जस्टिस DN पाटिल सॉरी पटेल एंड जस्टिस प्रतीक जलन जो है वो इसके जो मेंबर्स थे उनके अंडरटेकन इस जो पेटिशन है इसको रिफ्यूज़ किया गया है. ठीक है, सो इट इज़ अ गुड थिंग टू रिफ्यूज़, बिकॉज कई बार जो है ऐसी प्लीज या ऐसे जो हम कह सकते हैं पटिशन्स है वो कहीं ना कहीं सरकार पर उंगली उठाने का कार्य करते हैं. और क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि ऐसी पटिशन्स को अगर जो सरकार द्वारा तवज्जो दी जाती है, हाई कोर्ट द्वारा तवज्जो दी जाती है, तो डेफिनेटली इस तरह की जो प्लीज़ और पटिशन्स होती है वो हर तरह के जो तबका है, हर तरह के जो लोग हैं उनका हौसला बुलंद करती है आगे भी गलत या सही ये देखे बिना पटिशन साइन करने का. क्योंकि हम देखते हैं आज भी अभी भी जो है हम देखते हैं, कल ही कोई पटिशन जो है मुझे सोशल मीडिया पे देखने को मिल रही थी, और इस तरह के कई पटिशन्स काफ़ी लंबे टाइम से मैं डेली बेसिस पे डील करती हूँ, है ना. तो इस तरह के पटिशन्स को फाइल करने, इस पटिशन्स को जो है आप इस तरह की प्लीज़ को जो है अगर कंसीडर किया जाएगा हाई कोर्ट द्वारा, तो कहीं ना कहीं ये सरकार के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देता है कि क्या उनके डिसीजंस इतने स्ट्रॉन्ग या इतने वैल्यूबल नहीं है कि उनको जो है उनके अगेंस्ट पिटीशन साइन किया जा सके या उनके अगेंस्ट जो है आवाज़ उठाई जाए. ठीक है,
एंड एयर फेयर्स की अगर बात करें तो ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था जिसे कि पटिशन या हम कह सकते हैं जिसके अगेंस्ट पटिशन फाइल की जाए या जिसके अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जाए, ठीक है। द CM declares ₹100 crores रिलीफ फॉर रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। जैसे कि आप सभी जानते हैं निसर्गा काफ़ी हिट किया है, काफ़ी जो है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी लॉसेस देखने को मिले हैं और भी आसपास के एरियाज में काफ़ी लॉसेस देखने को मिले हैं। तो उसके चलते उद्धव अश्योर्स एडिशनल मैन पावर फॉर रिस्टोरेशन वर्क, वापस रिस्टोर करने के लिए सब चीज़ें मैनेज करने के लिए एडिशनल मैन पावर भी प्रोवाइड की जाएगी, ये कहना है उद्धव जी का जो कि CM है वहाँ के। CM ने ये अनाउंस किया है फ्राइडे को कि हम इमिजिएटली जो है रिलीफ फंड देने जा रहे हैं रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के लिए, दैट विल बी ₹100 करोड़ ओके। और ये जो फंड है ये निसर्गा के चलते, निसर्गा साइक्लोन के चलते जो लॉसेस है उसको फुलफिल करने के लिए किए जाएंगे। मैं आपको बता दूँ कि रायगढ़ और आसपास के एरियाज़ में काफ़ी लॉसेस देखने को मिले हैं, उसके चलते दौरा भी लिया गया है। CM ने जो है एडिशनली हम कह सकते हैं वहाँ का एक दौरा लिया है और उस दौरे के बाद ही फिनेंशियल जो डिसीजंस है और भी जो दूसरे डिसीजंस है वो इस पर्टिकुलर जो है दौरे के बाद में ही लिए गए हैं, ठीक है। ये लेना इसलिए ज़रूरी था, बोट के थ्रू उन्होंने इस पूरे एरिया का जो है ढाका से, अब हम कह सकते हैं भाउचा ढाका से अलीबाग तक पूरा एरिया जो है कवर किया। उन्होंने ये इसलिए किया क्योंकि जिससे कि एक्चुअल रिलीफ कितना फंड रिक्वायर्ड है, एक्चुअल लॉसेस कितने हुए हैं, एक्चुअल कंडीशन क्या है, इन सब का जायज़ा लेने के लिए उन्होंने वहाँ पे दौरा किया, ठीक है। और इसके अंदर उनके साथ में आदित्य ठाकरे, असलम शेख, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी AK सिंह और भी कई अन्य सीनियर ऑफिशियल्स शामिल थे, ठीक है। सो वी कैन से इट इज़ अ गुड थिंग दैट अभी हमने जो ओडिशा या वेस्ट बंगाल का जो हिट देखा था, तो वेस्ट बंगाल में भी हमने देखा था कि ममता बनर्जी द्वारा PM जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी पूरा एरिया का जायज़ा लिया और उसके बेसिस पर जो है पैकेज अनाउंस किया। तो इस तरह की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है जिससे कि एक्चुअल कंडीशन का पता लगा के और ये जो है रिलीफ फंड या जो जितनी मैन पावर की ज़रूरत है रिस्टोरेशन के लिए या जो रिक्वायरमेंट सरकार की तरफ से है उस एरिया के लिए उसे जो है फॉलो किया जा सके, उसके लिए उस पर्टिकुलर एरिया के जायजे की जरूरत होती है, ठीक है, जो कि CM ने लिया है। द नेक्स्ट इज इट्स नाउ डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। महाराष्ट्र के अंदर दो जो है डिपार्टमेंट को अलाइन कर दिया गया है, एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री और क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन जो है उस पर बेस्ड है ये। बेसिकली क्लाइमेट डिपार्टमेंट और एनवायरमेंट डिपार्टमेंट दोनों को, क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंट डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट को मिला करके डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज एक पूरा एक जो है पर्टिकुलर मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट डेवलप कर दिया गया है जो इस पर कार्य करेगा। ऐसा किया गया है साइक्लोन हिट के बाद में, है ना। तो नेचर की कंडीशंस को समझते हुए कहीं ना कहीं नेचर की कंडीशन को समझने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट की भी ज़रूरत है और क्लाइमेट चेंज की भी ज़रूरत है। यदि ये दोनों मिलकर एक साथ कार्य करते हैं तो एग्जैक्ट एक्यूरेट डेटा कवर किया जा सकता है जो कि हमें एनवायरमेंटल या डिज़ास्टर या क्लाइमेट चेंज से होने वाले जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उन सबसे सिक्योर कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज डिसीजन ऑन मेडिकल एग्जाम्स टेकन आफ्टर कंसल्टेशन। ऐसा कहना है एजुकेशन मिनिस्टर, दैट इज़ मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर अमित देशमुख का, कि जो मेडिकल एग्ज़ाम्स, जैसा कि UPSC कल जो डेट शीट है वो अनाउंस कर चुकी है और भी कई सारे एग्ज़ाम्स हैं जो कि डिपार्टमेंट्स हैं जो अपने अपने एग्ज़ाम्स के बारे में विचार कर रहे हैं, उसी जो है कड़ी में मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर अमित देशमुख का ये कहना है कि हम कंडक्ट करवाएंगे एग्ज़ाम लेकिन वो बिल्कुल सेफली कंडक्ट होंगे, उसके लिए हम जो है इसके बारे में कंसल्टेशन चल रहा है, कंसल्टेशन के बाद ही हम कोई डिसीज़न दे सकते हैं कि कब और कैसे एग्ज़ाम्स को कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। उन्होंने एग्ज़ाम्स को सेफली कंडक्ट करवाने के लिए 3 अल्टरनेटिव्स दिए हैं। उनके अकॉर्डिंग द थ्योरी ऑफ एग्जामिनेशन वुड बी हेल्ड बिटवीन जुलाई 15 से अगस्त 15, जुलाई 15 से अगस्त 15 के बीच में जो है एग्ज़ाम्स जो है कंडक्ट होने हो सकते हैं इन अ स्टेगर्ड मैनर इफ़ द सिचुएशन वॉज कंडक्सिव।
In case exams cannot be held as per the first plan, they would be conducted between August 16 to 15 September. The first जो instance रखा है, first जो duration बताया गया है इनके द्वारा, वो 15 जुलाई से 15 अगस्त तक का बताया गया है कि इसके बीच में exams को proper जो है norms और social distancing या security के साथ में जो है इसे manage किया जाना चाहिए, वहाँ exam conduct हो सकते हैं इस date, इन इस duration के बीच में, ठीक है। बट वहीं दूसरी तरफ उन्होंने बताया कि यदि कोविड-19 के चलते या अन्य किसी भी कंडीशन के चलते, कोई कारण के चलते ऐसा नहीं हो पाता है, तो हम इस एग्ज़ाम्स को नेक्स्ट 16 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सो ऑन एन एवरेज, ऑन एन ऑल, वी कैन से, हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस जो है उसके द्वारा ये डिसीजन दिया गया है कि स्टेट मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर अमित देशमुख ने बताया कि मेडिकल एग्ज़ाम्स जितने भी हैं उनको जो है उनका एग्ज़ाम्स का जो डिसीज़न है कि कब लेना है, कैसे लेना है, ये सब चीज़ों का डिसीज़न कंसल्टेशन के बाद में ही बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट टुडेज द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। द फर्स्ट न्यूज़ इज शाइन अ लाइट, द साइंटिफिक प्रोसेस मस्ट बी प्रोटेक्टेड एंड दोज सीकिंग पावर रिचेस। बेसिकली ये बात की गई है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन जो कि अभी रिसेंटली काफ़ी एक्सपोर्ट हुआ है इंडिया से एंड जो है सारी कंट्रीज़ के अंदर यूज़ लिया गया है, काफ़ी जगहों पर इसके पॉजिटिव जो है साइंस देखने को मिले हैं, पॉजिटिवली रिकवर किया है कोविड-19 के पेशेंट्स ने, वहीं काफ़ी एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे इसका इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिला है, है ना। ये बेसिकली एंटी मलेरियल ड्रग है जिसे यूज़ लिया गया है कोविड-19 के पेशेंट्स पर भी, और काफ़ी एरियाज़ में जैसे जो है काफ़ी डेटा सेट की अगर बात करें तो 96,000 पेशेंट्स जो हैं वो करीब 671 हॉस्पिटल से रिकवर हुए हैं इस पर्टिकुलर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन के चलते, HCQ के चलते, है ना। सो WHO ने ये कहा है कि इसे जो जिस कैटेगरी में रखा जाएगा वो है डू नो हार्म, इससे कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है। इस ड्रग को यूज़ करने से पॉजिटिव साइंस देखने को मिल रहे हैं लेकिन नेगेटिव कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है, तो हम इसे यूज़ में ले सकते हैं। दिस लेड टू सम कंट्रीज़ इन यूरोप विदड्रॉइंग द ड्रग दैट फ्रॉम देयर ओन ट्रायल्स। काफ़ी ऐसी कंट्रीज़ है जैसे यूरोप कंट्रीज़ की बात करें तो उन्होंने अपने ट्रायल्स के बेसिस पर इससे काफ़ी जो है कंट्रीज़ के अंदर इसका पॉजिटिविटी देखने को मिली, तो उन्होंने इसके बेसिस पर ही जो है आज तक इलाज इसका चल रहा है और उसको चलाया है। अनदर स्टडी इन्वॉल्विंग सम ऑफ द सेम ऑथर्स एंड रिलाइंग ऑन द सेम डेटा पब्लिश द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन विच सॉट टू आंसर questions of on the associations between cardiovascular disease COVID-19 and drugs that targets the enzymes that play a role in facilitating the virus in attacking a host has also been retracted. The Lancet study triggered a backlash from scientists who found problems with the methodology and more importantly the data set. It emerged that mortality attributed to the disease in Australia did not match with the country's own estimates. There was no way to tally patient records and the hospitals they were sourced from. There were problems with the statistics deployed and conclusions about the patient's risk from the drug. बेसिकली यहाँ बात की गई है जितनी भी कंट्रीज में ड्रग्स को यूज़ लिया गया है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स के बारे में, कि कई सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन के बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट्स देखने को मिले हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिला है, काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो रिकवर कर चुके हैं, वहीं काफ़ी ऐसे केसेस देखने को मिले हैं जहाँ पे इसने बिल्कुल भी इफ़ेक्ट नहीं दिखाया है ना। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इसके इफ़ेक्ट अगर एक या दो लोगों पे दिखते तो ये यूज़लेस होता, लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं, काफ़ी मात्रा में ऐसे लोग हैं जिन पर इसका इफ़ेक्ट देखने को मिला, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डेटा कैरी करता है और बहुत बड़ी न्यूज़ कैरी करता है कि एक ऐसा ड्रग है जो मैक्सिमम लेवल पे लोगों को प्रॉफिट गेन जो है प्रॉफिट जिनको मिल सकता है लोगों को इस पर्टिकुलर ड्रग से। The bigger concern was that the data was supplied by Surgis Fair Corporation, which had a handful of employees with limited scientific expertise.
एक काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब मुट्ठी भर एम्प्लॉयज़ हम कह सकते हैं होने के बाद भी, और लिमिटेड साइंटिफिक एक्सपर्टाइज होने के बाद में सर्जिसफेयर कॉरपोरेशन जो है उसके द्वारा एक डेटा सप्लाई किया गया, और ये कहा गया कि एंड क्लेम्ड टू हैव एग्रीगेटेड इट्स नंबर बाय कंपाइलिंग इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स इन लेस देन 2 मंथ्स। एक जहाँ पे बहुत लिमिटेड जो है साइंटिफिक एक्सपर्टाइज है और बहुत कम एम्प्लॉयज़ है, वहाँ पे उस एरिया के अंदर उस एरिया में क्लेम करते हैं कि मैक्सिमम लेवल पर जो है सारे नंबर ऑफ केसेस जो है उनको इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ के थ्रू जो है 2 महीने के अंदर अंदर उन्हें बिल्कुल ज़ीरो पे लेके जाया जा चुका है। मतलब काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है ना। एक्सपीरियंस्ड क्लिनिकल ट्रायल्स स्पेशलिस्ट सेड दैट दिस वॉज अ लेबर इंटेंसिव प्रोसेस। ये जो प्रोसेस यहाँ यूज़ लिया गया है इस हॉस्पिटल में, सॉरी इस मेडिकल डिपार्टमेंट में, सर्जिसफेयर कॉरपोरेशन में, ये अपने आप में एक क्लिनिकल ट्रायल्स था स्पेशलिस्ट का। उनका ये कहना है कि ये लेबर इंटेंसिव प्रोसेस था बेसिकली। ओके, मोर ओवर वेन एज पर्शियंस अबाउट दी डेटा स्टार्टेड टू स्वेल, द कंपनी साइटिंग क्लाइंट कॉन्फिडेंशियली सेड इट वॉज अनेबल टू शेयर इट्स डेटा सोर्सेज फ्रॉम फॉर इंडिपेंडेंट असेसमेंट। ओके, इन देयर रिट्रैक्शंस दी जर्नल्स हैव ब्लेम्ड सर्जिसफेयर फॉर बींग ओपेक विथ इट्स प्राइमरी डेटा। सो फार नीदर जर्नल्स हैज़ इंट्रोस्पेक्टेड एंड ऑन द पीयर रिव्यू प्रोसेस दैट लेड टू दीज स्टडीज बींग पब्लिश इन द फर्स्ट प्लेस। सो देखिए, ओवरऑल अगर हम बात करें इस आर्टिकल की, तो एच सी क्यू की बात की गई है। एच सी क्यू इज़ बेसिकली इसके थ्रू इंडिया ने काफ़ी जो है अपनी सेल किया है, काफ़ी एक्सपोर्ट किया है इंडिया ने एच सी क्यू को इस COVID-19 के दौर में, और काफ़ी लोगों पर इसका इम्पैक्ट देखने को भी मिला है, जबकि काफ़ी कंट्रीज़ ने ऐसा भी क्लेम किया है कि इसका कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है ना। तो कहीं ना कहीं जहाँ हमारे पास में कोई वैक्सीन नहीं है, कुछ भी नहीं है COVID-19 से खुद को सेव करने के लिए, वहाँ पे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें, ओवरऑल जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनका रिव्यू लेते हुए, लोगों का रिव्यू लेते हुए ओवरऑल अगर हम बात करें, तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण पैदा करती है कि इस तरह का कोई ऐसा पर्टिकुलर जो है ड्रग है जो हमें इससे बचाने में हेल्प कर सकता है। ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट इट कि सरकार और जो हमारे पर्टिकुलर मेडिकल डिपार्टमेंट्स हैं उन्हें इस बारे में सोचने और समझने की ज़रूरत है। द नेक्स्ट इज़ बियॉन्ड द लीगल काउंसिल्स प्रेडिसमेंट। सो ओवरऑल अगर हम बात करें, तो ये जो आर्टिकल है ये हरीश खारे सर का है। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, ये जो स्ट्रक्चर है अकाउंटेबिलिटी का या इम्पेशेंट कल्टिवेशन के बारे में बात की गई है, तो बेसिकली ये जो आर्टिकल है ये कैरी करता है पूरी जो हमने अब तक जिस तरह की माइग्रेंट से रिलेटेड इश्यूज़ ले लीजिए या और भी जो पॉलिटिकल इश्यूज़ है, पॉलिटिकल अपॉइंटी जो उसकी बात की गई है, और भी कई सारे तरह के सारे मैटर्स जो हमने रिसेंटली देखे हैं, उन सब के बारे में बात की गई है कि इन सब के बारे में जो है सोचने और समझने की ज़रूरत है। कई सारे ऐसे जो एरियाज़ हैं जिन्होंने इस फील्ड में COVID-19 के चलते काफ़ी एफर्ट्स भी पुट आउट किए हैं, तो देखिए उसके बारे में पूरा आर्टिकल है। मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दिया है, और अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में इस पूरे जो ये आर्टिकल है इसको पढ़ेंगे और मुझे इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, अच्छा आर्टिकल है, यू शुड गो फॉर इट, बहुत अच्छा और टू द पॉइंट जो है डेटा कवर करता है ये। ठीक है, सो यू शुड गो फॉर इट। द नेक्स्ट इज अ राइट टाइम टू शिफ्ट फार्मा गियर्स। बेसिकली ये जो आर्टिकल है फार्मास्यूटिक कंपनीज और हम कह सकते हैं फार्मा पर बेस्ड है। एज अ वर्केबल आइडिया अ हेल्थ इम्पैक्ट फंड कैन बिकम एन अल्टरनेटिव ट्रैक फॉर फार्मास्यूटिकल इनोवेटर्स। फार्मास्यूटिकल इनोवेटर्स जो हैं उनके लिए एक अल्टरनेटिव ट्रैक के रूप में यूज़ लिया जा सकता है हेल्थ इम्पैक्ट फंड को, है ना। सो बेसिकली अभी क्योंकि हम इस COVID-19 के दौर से गुजर रहे हैं, तो ये हॉल्जर एंड पोगे, थॉमस पोलगे एंड पोगे एंड फेलिसिटास
हॉल्जर का आर्टिकल है ये, जिसके तहत पूरा जो है बताया गया है कि कैसे इस टाइम पे दिस इज़ द बेस्ट टाइम जब हम मेडिकल इक्विपमेंट्स, मेडिकल इश्यूज, मेडिकल सर्विलियंस के बेसिस पर ये पता लगा सकते हैं कि हम मेडिकली कहाँ स्टैंड करते हैं और किस फंड को हमें कहाँ यूज़ लेना है मेडिकल फंड्स को। और बेसिक अब हमें पता चला है कि बेसिकली मेडिकल यूजेस क्या होते हैं, है ना, कहाँ पे कैसे यूज़ लिए जा सकते हैं, कौन सी इमरजेंसीज खड़ी हो सकती है जिसके लिए उन्हें यूज़ लिया जाना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हमने इस COVID-19 के दौर में इन सब चीज़ों से, फार्मा से रिलेटेड सीखी है, मेडिकल इश्यूज, हेल्थ इम्पैक्ट फंड्स, इन बेसिस पर बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी है, देखी है, सुनी है, पढ़ी है। तो इस बेसिस पर ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे R&D के बारे में अगर हम बात करें तो R&D इज़ जो है रिक्वायर्ड, बेसिकली इट इज़ रिक्वायर्ड। अदर देन दिस, फंडिंग के बारे में बात करें या फिर स्टेट रिस्क के बारे में बात, तो अपने आप में फार्मा की अगर बात की जाए, फार्मा या फार्मास्यूटिकल या जो हम कह सकते हैं मेडिकल जो फील्ड है उनके लिए ये जो टाइम है ये परफेक्ट टाइम है खुद के ऊपर विचार करने, समझने, और बिल्कुल परफेक्ट टाइम है कि वो अपने जो गियर्स हैं उनको शिफ्ट करें, है ना। हम लोग किस फील्ड पे, किस ट्रैक पे चल रहे हैं और हमें नीड किस ट्रैक की, इमरजेंसी कंडीशंस में हमें नीड कहाँ की हो जाती है, फंडिंग कहाँ पे कर रहे हैं लेकिन ज़रूरत कहाँ पे है, तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत है कि हम इस पर वर्क करें, ठीक है। तो ये आर्टिकल उस पर बेस्ड है। द नेक्स्ट इज़ विनिंग फार्मूला, द बेस्ट वे टू रिवाइव स्पोर्ट एक्टिविटीज़ इज़ टू मेक अ कॉशियस स्लो लो की स्टार्ट। अब क्योंकि जो है स्पोर्ट एक्टिविटीज़ शुरू होगी, अब आगे जाकर काफ़ी सारे ऐसे स्पोर्ट एक्टिविटीज़ है जो स्टॉप कर दी गई COVID-19 के चलते, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अब धीरे धीरे हमें ज़रूरत है कि एक बिल्कुल कॉशियस स्लो और लो की स्टार्ट के साथ में हम इन एक्टिविटीज़ को रीस्टार्ट करें, है ना, रिवाइव करें। तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू गो थ्रू, विनिंग फॉर्मूलाज को अप्लाई करें। और हम अपने पूरे, जैसे ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड पिक्स की बात करें या और भी देखिए कई सारे ऐसे जो है स्पोर्ट्स हैं, रेसेस ले लीजिए या बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जो कि एक्सटेंड हो गए हैं, आगे जो है फॉरवर्ड हो गए हैं और मतलब आगे पोस्टपोन हो गए हैं। तो अब हमारे पास ज़रूरत है कि हम धीरे धीरे एक ऐसी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें जो कि हमें हर तरह की जीत में, हर तरह के खेल में जो है जीत हासिल करवाए, ठीक है। तो विनिंग फार्मूला के बारे में भी डिस्कस किया है कि हमें क्या फार्मूला अपनाना है जीतने के लिए और किस तरह से स्पोर्ट एक्टिविटीज़ को रीस्टार्ट करते हुए आगे बढ़ना है। तो ये सारा डेटा जो है ये आर्टिकल कवर करता है। तो प्रोबेबली मैंने सारा डेटा आपसे कवर कर लिया, एक लास्ट ये आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं, इन विजार ट्रांसग्रेशंस एंड टॉक्सिक फ्यूम्स। जैसा कि आप सभी को पता है एलजी पॉलीमर्स प्लांट था विशाखापट्टनम में, वहाँ पे लीकेज की वजह से जो है स्टायरीन गैस लीक हो जाने की वजह से काफ़ी लॉसेस हुए हैं पर्टिकुलर एरिया में, मैन लॉस भी हुआ है, मैन पावर का 12 लोग करीब मारे गए, इसके अलावा कई हज़ारों लोग जो है ऑलरेडी बीमार हो गए इस हमले से। ये करीब 7 मई को हुआ और काफ़ी दर्दनाक था, काफ़ी सारी चीज़ें थी और ऐसी ये कंडीशंस क्रिएट हो गई कि एट द मोमेंट ऑल ऑफ सडन हुई घटना के कारण, इस डिज़ास्टर के कारण काफ़ी जो है हम कह सकते हैं जान माल का नुकसान हुआ और कहीं ना कहीं रूल्स का वायलेशन भी हुआ देखा जाना जाता है, ठीक है। सो लॉज और रूल्स को वायलेट करते हुए आगे बढ़ने का जो ये जो एक स्टेप होता है उससे जो खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है विजाग या विशाखापट्टनम में हुआ ये घटनाक्रम, ठीक है। तो इसके बारे में सब कुछ दे रखा है कि प्लांट कैसे है, क्या लगा है, इसकी हिस्ट्री क्या है, एट प्रेजेंट कैसे वर्क करता है और इससे होने वाली घटना का कारण क्या हो सकता है, उस पर भी डिस्कस किया गया है और आने वाले टाइम में कैसे इसको जो है इसके वर्क, इस पर वर्क किया जाएगा और कैसे इसे चलाया जाना चाहिए, ठीक है। सो और लोगों की, आम जन जो इससे इफेक्ट हुए हैं आसपास के एरियाज में, उनकी, उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसा प्रभाव पड़ेगा और उस प्रभाव को रोकने के लिए कैसे एफर्ट्स लगाए जा सकते हैं सरकार द्वारा, तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी जो प्रभाव पड़ना है या जिन पर पड़ चुका है उन लोगों को कैसे इस घटनाक्रम से बाहर लाया जाए, तो ये सारी कंडीशंस जो है इस आर्टिकल में डिस्कस की गई है, ठीक है। सो ऑलमोस्ट मैंने आपसे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते थे वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। और इसके अलावा वर्ल्ड पेज पर जो है ऐसा कोई जो बेसिक जो हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर नहीं करता है, इसके अलावा सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हम लोग कवर कर चुके हैं। उसके अलावा
कीप इट इन योर माइंड कि एग्ज़ाम डेट्स अनाउंस हो चुकी है, अब हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है और जो वक्त मिला है उसे यूज़ करने का टाइम आ चुका है। ठीक है, यूज़ कीजिए इस टाइम को, प्रॉपरली यूज़ कीजिए, अच्छे से इस कार्य इस टाइम को यूज़ लेते हुए पढ़ाई को फोकस कीजिए और इस तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए कि आपको आने वाले टाइम में एग्ज़ाम में जो है सिलेक्शन के चांसेस बढ़ाने के लिए ये टाइम हेल्प करे। ठीक है, सो गियर अप, बकल अप एंड मैं आपको बता देती हूँ, मैं आपके लिए जो है कोर्स जो बना रही हूँ, स्ट्रेटजी बना रही हूँ नेक्स्ट 4 मंथ्स के लिए। तो ये 4 मंथ्स की स्ट्रेटजी आपको प्रिलिम्स एज वेल एज मेंस क्लियर करवाने में हेल्प करेगी। इस स्ट्रेटजी के बेसिस पर यदि आप चलते हैं, एक पूरा टाइम टेबल, एक पूरा चार्ट आपको प्रोवाइड होगा जिस बेसिस पर यदि आप चलते हैं तो यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस इन योर लाइफ। ओके, कहीं ना कहीं आपके लिए मैक्सिमम लेवल पे हेल्पफुल होगा वो। सो यू शुड वेट एंड फॉलो फॉर दैट वीडियो बिकॉज जल्दी ही आज इवनिंग तक या कल मॉर्निंग तक आपको वो वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा, आपको स्ट्रैटेजी प्रोवाइड हो जाएगी। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।